बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। आज मैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करवाऊंगा, जो कि हमारे पास है कि एफ एक फंक्शन है हमारे पास जो कि कंटिन्यूस है इस क्लोज्ड इंटरवल पर, और इसकी डेरिवेटिव जो है ज़ीरो है इस इंटरवल के तमाम दरमियान वाले पॉइंट पर, एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए वा बी, यानी इस के दरमियान पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन सब पे जो है इसकी डेरिवेटिव क्या है, ज़ीरो है। हमने ये साबित करना है कि एफ जो है कांस्टेंट है इस क्लोज्ड इंटरवल पर, एफ हमारे पास विल बी अ कांस्टेंट फंक्शन, ये पहली बात हो गई। फिर उसके बाद ये कहता है कि इसी रिलेशन को आपने यूज़ करके ये साबित करना है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन फॉर ऑल रियल नंबर एक्स, यानी दो हिस्से इसने दिए हुए हैं। पहला हिस्सा इसका है कि एफ जो है वो कंटिन्यूस है इस इंटरवल पर, अगर उसकी डेरिवेटिव ज़ीरो हो इसके दरमियान वाले पॉइंट पर तो ये कांस्टेंट होगा। उसके बाद हमने यही रिलेशन यूज़ करके ये साबित करना है। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसकी हाइट तमाम पॉइंट्स पे जो है वो एक जैसे आ रही हो, उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, ये कांस्टेंट फंक्शन है। फॉर एग्जांपल आप एक्स की आप यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट कर देंगे, एफ ऑफ वन एक्स की जगह पे आप वन पुट कर दें सी आ रहा है, एक्स की जगह पे आप टू पुट कर दें सी आ रहा है, एफ की जगह पे आप थ्री पुट कर दें अगेन सी आ रहा है, फोर पुट कर दें, जो भी वैल्यू आप पुट कर देंगे एक्स की जगह पे इसका हाइट जो है तमाम पॉइंट पे एक जैसा आएगा। ये हमने साबित करना है कि एफ आप वन इज इक्वल टू या एफ आप ए विल बी इक्वल टू एफ आप बी, अगर ये एक जैसा आ गया तो इट्स मीन दैट दिस फंक्शन विल बी कांस्टेंट फंक्शन। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इंटरवल उठाएंगे जो कि इस ए बी के दरमियान में हो, दरमियान में हो या इसके बिल्कुल एक जैसा हो, इसके दरमियान वाला एक दरमियान में हमने एक इंटरवल उठाया। अब हम हमें दिया गया है कि ये फंक्शन जो है इस इंटरवल पर ए व बी इंटरवल पर कंटिन्यूस है, इसके दरमियान में अगर आप कोई इंटरवल उठाते हैं उस पे भी ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। एफ इज कंटिन्यूस ऑन दिस क्लोज इंटरवल, तो इसके दरमियान वाले इंटरवल पर भी इसको कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन इसने ये दिया हुआ है कि इस ओपन के तमाम पे ये डिफरेंशिएबल है, यानी इसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट है और ज़ीरो है, तो लिहाजा एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए वा बी, तो इसको इस ओपन इसके दरमियान में जो हमने एक इंटरवल उठाया, हर पॉइंट पे हमें टेंजेंट जो है वो मिल रहा है इस ओपन इंटरवल पर, हर पॉइंट पे हमें एक टेंजेंट मिल रहा है इस ओपन इंटरवल पर दरमियान इसके दरमियान वाले पॉइंट्स पे। अब अगर सी वा डी मैं उठा दूँ इसके क्रॉसपॉन्ड्स एफ ऑफ सी आ जाएगा, और ये सी इस पॉइंट पे इस पॉइंट तक इसके दरमियान में हर पॉइंट पे फिर हमें टेंजेंट मिलेगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब अगर हम देख लें मीन वैल्यू थ्योरम को, अगर हम रिकॉल कर दें मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस थी, एफ फंक्शन था, पहला कंडीशन था उसका एफ कंटिन्यूस ऑन ए वा बी, दूसरा था इसका डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए वा बी, तो एक सी हमारे पास हुआ करता था एफ डैश सी, सी बिलोंगिंग टू ए वा बी, एफ डैश सी इक्वल टू एफ आप बी माइनस एफ आप ए और बी माइनस ए। तो अब बाय मीन वैल्यू थ्योरम, देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी जो कि इस इंटरवल के दरमियान में लाई कर रहा है, या सी दूसरा आप नंबर इसको कह दें, मैं इसको लेमडा कह देता हूँ, लेमडा बिटवीन सी वा डी, लेमडा हमारे पास कोई रियल नंबर है जो कि इस इंटरवल के दरमियान में लाई कर रहा है, सच दैट एफ डैश लेमडा इज इक्वल टू एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ सी, और नीचे आ जाएगा d माइनस सी। ये मीन वैल्यू थ्योरम का
कंडीशन था जो हमने यहाँ पे लगाया, एफ आप बी माइनस एफ आप ए और बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। अब इसने हमें क्या दिया हुआ है, इसने हमें दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी इसके दरमियान वाले तमाम पॉइंट्स पे इसकी डेरिवेटिव को ज़ीरो होना चाहिए। लेमडा भी इस इंटरवल के दरमियान में ही एक नंबर है, इस इंटरवल के दरमियान में ही एक नंबर है। तो लिहाजा सिंस एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज दैट एफ डैश लेमडा भी जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब एफ डैश लेमडा ज़ीरो होगा तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे ज़ीरो बराबर है एफ आप डी माइनस एफ आप सी और डी माइनस सी। इसको हम इधर लाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। ज़ीरो बराबर है एफ आप डी माइनस एफ आप सी। अब एफ आप सी को आप इधर लाएं, एफ आप डी बराबर है एफ आप सी, जो कि हमारे पास ये शो कर रहा है कि एफ इज़ कांस्टेंट। अगर दो डिफरेंट पॉइंट पे हाइट जो है वो सेम आ जाए तो ये फंक्शन जो है वो उसको क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। पहला हिस्सा तो इसका साबित हो गया कि एफ जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। अब हम आते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ। दूसरा हिस्सा इसका है हमारे पास कि हमने ये साबित करना है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू वन। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। यहाँ पे हमने ये साबित कर दिया कि एफ ऑफ एक्स इज़ कांस्टेंट, हियर एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट ऑन ए वा बी, ये हम साबित कर चुके हैं। अब हमने क्या साबित करना है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, ये हमने साबित करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ आप एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, इसकी डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश एक्स बराबर है, इसकी जब हम डेरिवेटिव लेंगे पावर को नीचे उतारेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, पावर में से एक कम कर देंगे वन आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स प्लस पावर को नीचे उतारेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, ये कॉस की डेरिवेटिव टू माइनस वन इज अगेन कॉस। अब कॉस की डेरिवेटिव हम लेंगे वो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा ये माइनस बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, एफ डैश एक्स बराबर है ज़ीरो। जब किसी फंक्शन की डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो हो तो वो फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, उसको कॉन्स्टेंट होना चाहिए। लिहाजा साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे हम लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू सी, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी, सी के बराबर आ रहा है हमारे पास। तो हम अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो है इस तमाम इंटरवल पे हमारे पास क्या है, सी है, तो लिहाजा अगर हम ज़ीरो इस इंटरवल में से उठाएं और यहाँ पे पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्स्टेंट ए वा बी इंटरवल में से, और इसकी डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए वा बी का ओपन इंटरवल पर, ये हमें दिया हुआ कांस्टेंट है, इस तमाम इंटरवल पर उसकी डेरिवेटिव ज़ीरो ज़ीरो है। अब अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो इस इंटरवल में से उठाऊँ, ज़ीरो हमारे पास अगर एक नंबर हो, मैं इस इंटरवल में से उठा लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, चूँकि हमारे पास सी है तो ज़ीरो एक नंबर है, अगर मैं इधर ज़ीरो पुट कर दूँ एफ आप ज़ीरो भी जो है वो सी ही होगा। यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ साइन स्क्वायर ज़ीरो प्लस कॉस स्क्वायर ज़ीरो इज इक्वल टू सी, इम्प्लाइज दैट साइन ज़ीरो पे ज़ीरो है, कॉस ज़ीरो पे वन है, तो सी हमारे पास वन ही आएगा। अब सी की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, ये हमारे पास साबित हो गया ये थ्योरम।
उसके बाद हमारे पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इफ एक्स इज़ लेस देन वन, फिर उसके बाद एक्स है एक्स ग्रेटर देन वन. डज द मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड फॉर एफ ऑन दिस इंटरवल, क्या मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो इस इंटरवल पे होल्ड वैलिड है, क्या मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है इस इंटरवल पर. फंक्शन यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है. अगर हम देख लें मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन, उसका एफ इज फंक्शन पहला है इसका कंटिन्यूस होना चाहिए उसको इस क्लोज्ड इंटरवल पर, दूसरा कंडीशन इसका है डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस ओपन इंटरवल पर, तब जाके हमें एक सी पॉइंट देगा बिटवीन ए व बी सच दैट एफ डैश सी बराबर है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए. यहाँ पे अगर हम देख लें फंक्शन जो है वो पीस वाइज हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे पहले इसका थोड़ा सा मैं ग्राफ बना लेता हूँ. ये वन व टू कॉमा टू ये इंटरवल है, वन जो है इसके दरमियान में कहीं पे होगा. अब अगर हम देख लें इस साइड पे फंक्शन जो है वो क्लियरली हमारे पास कंटिन्यूस है, फिर उसके बाद इस साइड पे भी कंटिन्यूस है. इस पे हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी की कंडीशन ये है कि लिमिटिंग वैल्यूज़ जो है वो सेम होनी चाहिए डायरेक्ट वैल्यू की. अब अगर इस तरफ हम आते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल वन अपॉइंट फोर जो है वो यहाँ पे अगर हो वन अपॉइंट टू वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट सिक्स पे हम इसको अगर चेक कर लें तो 1.6 पे जो है डायरेक्ट वैल्यू भी यही है और लिमिटिंग वैल्यू भी यही है, लिहाजा इस पे जो है ये कंटिन्यूस होगा. अब हम आते हैं क्लियरली फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन इस इंटरवल पे, ये जो है क्या है कंटिन्यूस है फ्रॉम 1 to 1/2. इस पे जो है फंक्शन हमारे पास क्या है कंटिन्यूस है. उसके बाद हम आते हैं इस इंटरवल पर, इस पे देखते हैं इस पे भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस ही होगा क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू इस पे भी सेम आ रही है, यही एक ही है एंड वन इज लेस देन एक्स लेस देन टू. इस पे भी जो है ये कंटिन्यूस ही है, वन को आप इंक्लूड ना कर दें. अच्छा इस पे भी जो है ये कंटिन्यूस है, इस पे भी कंटिन्यू. अब वन पे हम चेक करते हैं वन पे क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो उस पे हम पहले डायरेक्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं. एफ ऑफ वन इज इक्वल टू कंटिन्यूटी है कंटिन्यू एफ ऑफ वन बराबर है एफ ऑफ वन जो है वो इक्वल वाला इस ये आ जाएगा वन का स्क्वायर जो कि वन है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इसका आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स जो है वो फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से हम आ रहे हैं ये वन है, जब लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो ये वैल्यू जो है वो वन से लेस होनी चाहिए 0.9999 इस तरह का कोई नंबर आएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं ये आ जाएगा वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट की तरफ हम आएंगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन फ्रॉम राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन फ्रॉम राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे अगर हम आएंगे वन की तरफ राइट हैंड साइड से जब हम आएंगे वन की तरफ तो ये वन से कुछ बड़ी वैल्यू जो है वो होनी चाहिए 1.00001 इस तरह की कोई वैल्यू होनी चाहिए एक्स. अब हम यहाँ पे पुट करेंगे अगेन वन की जगह एक्स की जगह पे वन वो वन ही आएगा. अब अगर हम देख लें एफ ऑफ वन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट सारे जो है वो वन ही आ रहे हैं, हिंस फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल जो है वो वन व टू कामा टू.
इसके सारी वैल्यूज़ वन पे भी हमने चेक किया, दरमियान वाली वैल्यूज़ पे भी कंटिन्यूस है, एंड पॉइंट पे भी ये कंटिन्यूस है, तो लिहाजा इस तमाम इंटरवल पे जो है फंक्शन कंटिन्यूस है। फिर सेकेंड जो है वो सेकेंड स्टेप है इसका डिफरेंशिएबिलिटी का, डिफरेंशिएबिलिटी हम इसकी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो हमें पता है कि जब हम किसी फंक्शन की चेक कर लेते चेक करते हैं f डैश a, वो आएगा लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a और x माइनस a। ये डिफरेंशिएबिलिटी की जो है वो डिफिनेशन है जो कि हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन में जो है वो ये आ रहे हैं, तो लिहाजा इसमें हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करनी है। पहले हम आते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के तरफ, ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स माइनस ए की जगह पे जो है वो क्या आ जाएगा, हम चूंकि एफ डैश वन मालूम कर रहे हैं तो यहाँ पे वन आएगा, इधर भी वन आएगा, इधर भी वन आएगा, एफ ऑफ वन और नीचे एक्स माइनस वन। अब एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, और एफ ऑफ वन एक्स की जगह पे हम वन रिप्लेस कर देंगे वो वन ही आएगा, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, सॉरी ये लिमिट मैंने नहीं लिखी, एक्स टेंस टू वन, अच्छा ये आ जाएगा एक्स माइनस वन। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन के साथ कैंसल, एक्स प्लस वन रह जाएगा। अब एक्स की जगह पे हम वन रिप्लेस कर देंगे, ये आ जाएगा वन प्लस वन जो कि हमारे पास टू आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, एफ डैश वन इज इक्वल टू टू। उसके बाद हम आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ, राइट हैंड डेरिवेटिव जो है हम लोग मालूम करते हैं, एफ ऑफ एक्स था हमारे पास एक्स स्क्वेयर एक्स लेस देन आर इक्वल टू वन एक्स एक्स ग्रेटर देन वन। अब हम आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ, राइट हैंड डेरिवेटिव एट वन वो हमारे पास क्या आ रही है, वो आ जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू वन फ्रॉम राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब राइट हैंड साइड वाला जो है वो एक्स ये आ जाएगा, ये आएगा एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम एक्स टेंस टू वन क्या लिखेंगे, ये एक्स एक्स की वैल्यू जो है वो ये आ रही है एक्स माइनस एफ ऑफ वन, वन ही आएगा, एक्स माइनस वन दोनों कट जाएंगे, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास वन आ रहा है। अब अगर हम वन पे डेरिवेटिव देख लें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव टू आ रही है, राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो वन आ रही है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। वन पे जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इसकी सेम नहीं आ रही। वन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है इस इंटरवल के दरमियान में, इसके दरमियान में एक नंबर है। मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि फंक्शन जो है उसको डिफरेंशिएबल होना चाहिए दरमियान के सारे पॉइंट्स पे, दरमियान वाले जितने भी पॉइंट हैं सब पे इसकी डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट होनी चाहिए, तब जाके मीन वैल्यू थ्योरम जो है इस पर एप्लीकेबल होगा। तो एफ ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम डज नॉट होल्ड, इस पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि फंक्शन जो है दरमियान वाले के दरमियान के सारे पॉइंट पे जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा। उसके बाद है लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, अप्लाई रोल्स थ्योरम टू द फंक्शन, फंक्शन हमें ये दिया हुआ है
टू ऑब्टेन अ रिजल्ट दैट जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम, हमने क्या करना है, इस पे रोल्स थ्योरम को अप्लाई करके हमने जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। उसके साथ साथ क्या ये थ्योरम जो है होल्ड करता है अगर एन को हम नेगेटिव कर दें, एन की वैल्यूज़ अगर हम नेगेटिव कर दें। पहले हम आते हैं रोल्स थ्योरम की तरफ। रोल्स थ्योरम के कंडीशंस का हमें पता है कि फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो, ये रोल्स थ्योरम है। फंक्शन कंटिन्यूस हो, एफ इज़ अ फंक्शन, तो पहला कंडीशन इसका है कंटिन्यूस क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा इसका है डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल, तीसरा इसका है अगर एंड पॉइंट पे इसकी वैल्यू सेम है तो एफ डैश सी जो है वो ज़ीरो होगा, वेयर सी बिलोंग्स टू इस इंटरवल के दरमियान में से सी जो है वो कोई नंबर होगा। तो हम इसी तरतीब से जाएंगे, पहले हम इसकी कंटिन्यूटी जो है यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि अप्लाई रोल्स थ्योरम, तो लिहाजा एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा इसका है डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। अब थर्ड कंडीशन इसका हम फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ ए की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा एफ ऑफ ए आ जाएगा और साथ में एफ ऑफ बी, यहाँ पे ए की पावर एन, ये भी ए की पावर एन आ रहा है और ये बी की पावर एन है, ये वन वन वन, यानी इस फंक्शन में हमने एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस किया, ए रिप्लेस कर दिया, तो इस ये जो है हमारे पास ज़ीरो होगा। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है, अगर दो कॉलम या दो रो एक जैसे आ जाए तो तब वो डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो होगा। आप इसको एक्सपेंड करके भी चेक कर सकते हैं। अब ये कॉलम और ये कॉलम जो है वो क्या है, सी वन इज इक्वल टू सी टू, ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम एफ ऑफ बी मालूम कर लेते हैं, एफ ऑफ बी जो है वो क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे हम बी रिप्लेस कर देंगे, एफ ऑफ बी बी की पावर एन वन, एफ ऑफ ए की पावर एन वन, और ये एफ ऑफ बी बी की पावर एन वन, एफ ऑफ बी बी की पावर एन वन। अब इसके भी दो कॉलम्स एक जैसे आ रहे हैं लिहाजा ये ज़ीरो होगा बिकॉज सी वन इज इक्वल टू सी थ्री, ये भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉलम जो है वो एक जैसे आ जाए तो तब इस पे जो है डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो होगा। अब हम आगे चलते हैं, हमने अभी क्या करना है, हमने जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम की वैल्यू जो है मालूम करनी, ऑब्टेन करनी है। तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, लिहाजा अब एक सी नंबर होगा जिस भी इस फंक्शन की डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए, सी जो है वो एक ऐसा नंबर होगा ए व बी के दरमियान जिस पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। अब हम इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको इस कॉलम से एक्सपेंड करें, इस रो से हम एक्सपेंड कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू डिटर्मिनेंट को हम जब एक्सपेंड करते हैं हमें पता है प्लस माइनस प्लस, अगर थ्री बाई थ्री हो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी अगर आपने फर्स्ट से एक्सपेंड करना है तो पहले के साथ प्लस आएगा फिर दूसरे के साथ माइनस फिर प्लस, अगर आपने फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करना है तो पहले के साथ प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इसी तरह अगर आपने सेकेंड रो के साथ एक्सपेंड करना है माइनस फिर प्लस फिर माइनस, एफ ऑफ एक्स इंटू, अब इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा ए की पावर एन वन बी की पावर एन वन, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, एक्स एन वन और साथ में बी एन वन आ जाएगा, फिर प्लस एफ ऑफ बी इंटू इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, एक्स की एन वन ए की एन वन।
अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये हमें पता है दिस विल बी मल्टीप्लाई विद दिस, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. एफ ऑफ एक्स इंटू ए की एन इंटू वन, वो ए की एन ही आएगा. बी की एन इंटू वन, वो बी की एन ही आएगा, फिर माइनस का साइन आएगा. एफ ऑफ ए इंटू एक्स की एन वन, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस बी की एन, फिर प्लस आ जाएगा. एफ ऑफ बी, ये आ जाएगा एक्स की एन माइनस ए की एन आ जाएगा. अब सी जो है वो हमें एक ऐसी वैल्यू है जिस पे फंक्शन की डेरिवेटिव ज़ीरो है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर देते हैं. ये पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश एक्स जो है पहले हम फाइंड कर लेते हैं. ये आ जाएगा, ये इसका कोएफिशिएंट है, तो ये फंक्शन जो है एफ डैश एक्स आ जाएगा. कोएफिशिएंट जो चूँकि इसका कॉन्स्टेंट है, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे. माइनस अब इसकी डेरिवेटिव हम लेंगे, चूंकि ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव ज़ीरो आएगी. इसकी डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाएगी, एफ ऑफ ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और इसकी डेरिवेटिव ज़ीरो है वो हम नहीं लिखेंगे ज़ीरो. प्लस एफ ऑफ बी, इसकी डेरिवेटिव जो है वो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए की डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगी, वो कॉन्स्टेंट है. अब हम इसको सी से रिप्लेस कर देंगे. एफ डैश सी जो कि हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, इज़ इक्वल टू एफ डैश सी ए की एन माइनस बी की एन माइनस एफ ऑफ एन ए की एन माइनस वन, सॉरी सी की एन माइनस वन, प्लस एफ ऑफ बी, ये आ जाएगा एन सी की एन माइनस वन. अब इन दोनों में से हम ये टर्म कॉमन निकालेंगे और इसको फिर मैं इधर लाऊंगा, ये आ जाएगा. इसको जब हम इधर लाएंगे, ये आ जाएगा माइनस एफ डैश सी साथ में ए एन बी एन इज इक्वल टू, इसमें से अगर मैं ये एन सी कॉमन निकाल, एन सी की पावर एन माइनस वन, पहले ये एफ ऑफ बी आ जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, एफ ऑफ बी, फिर माइनस आ जाएगा एफ ऑफ ए. अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हम इसमें हम माइनस अप्लाई कर लेते हैं. माइनस अब हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा एफ डैश सी इंटू, इसकी ऑर्डर जो है वो ये माइनस का है प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का है माइनस का आ जाएगा, बी एन माइनस ए एन इज इक्वल टू एन सी एन माइनस वन एफ ऑफ बी इंटू माइनस एफ ऑफ ए. अब इसको मैं उधर ले जाता हूँ और इसको मैं इधर लाता हूँ, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा. एफ डैश सी डिवाइडेड बाई एन सी की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी एन माइनस ए एन. ये है हमारे पास जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम. अब हम क्या करते हैं, इसका ये लास्ट पार्ट कि डज द रिजल्ट होल्ड्स इफ एन इज नेगेटिव. अगर एन नेगेटिव हम कर दें, क्या रिजल्ट जो है वो वैलिड है, होल्ड है. एन को अगर मैं लेस देन ज़ीरो कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ए की पावर माइनस एन बी की पावर माइनस एन, तो ये आ जाएगा वन अपॉन ए एन वन अपॉन बी एन. अब अगर मैं ए को ज़ीरो कर दूं या बी को ज़ीरो कर दूं, तो ये आ जाएगा वन अपॉन ज़ीरो, जो कि इन्फिनिटी बन रहा है. इन्फिनिटी इसको नहीं बनना चाहिए, लिहाजा इफ़ अगर एन ज़ीरो हो, एन लेस देन ज़ीरो हो, तो हम इस इंटरवल में से ज़ीरो को निकाल लेंगे. इस इंटरवल में से ज़ीरो को हम निकाल देंगे. ये क्वेश्चन नंबर 18 है. अच्छा, ए लेट्स
ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू बी एनी टू पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ पैराबोला. पैराबोला हमें पता है कि द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्राम अ फिक्स्ड पॉइंट टू अ फिक्स्ड लाइन. अब ये पैराबोला मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये हमारे पास ये वाली पैराबोला है. अब इस पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए एक्स वन वाई वन, दूसरा पॉइंट इस पे है बी एक्स टू वाई टू. अब सी एक ऐसा पॉइंट होगा जिसकी कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स थ्री वाई थ्री, जिस पे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो हमारे पास पैरेलल आएगा स्लोप ऑफ कॉट. बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर इज अ पॉइंट, ये पॉइंट होगा ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी, शो दैट. ये फिर हमने शो करना है. अब पहले हम मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ आते हैं. फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो सी एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे हमारे पास स्लोप ऑफ सीकेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो इक्वल आएंगे. प्रूफ की तरफ हम आते हैं. सिंस ये दो पॉइंट इसने हमें दे दिए और बता भी दिया कि ये फंक्शन जो है मीन वैल्यू थ्योरम को अगर हम देख लें तो इस पॉइंट पे, इस इंटरवल पे ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होगा. तो लिहाजा एक्स थ्री वाई थ्री एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे हम फंक्शन की डेरिवेटिव लें वो हमारे पास एफ आफ बी माइनस एफ आफ ए ओवर बी माइनस ए की इक्वल आएगा. एफ आफ एक्स हमारे पास है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब एफ डैश एक्स हम मालूम करते हैं, ये आ जाएगा टू ए एक्स प्लस इसकी डेरिवेटिव टू ए एक्स. अब एक्स की डेरिवेटिव वन, हमारे पास जस्ट बी ही आ जाएगा. अब एफ डैश एक्स थ्री, एक्स थ्री जो है वो इन दोनों इस इंटरवल के दरमियान में ही है. एक्स वन व एक्स टू हमारे पास इंटरवल है जिस पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसके ओपन इंटरवल पे हमारे पास डिफरेंशिएबल है. तो एक्स थ्री इनके दरमियान एक ऐसा पॉइंट है जिस पे हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन और एक्स टू माइनस एक्स वन. अब एफ डैश एक्स थ्री, ये आ जाएगा टू ए एक्स थ्री प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू. एफ ऑफ एक्स टू जो है, एफ ऑफ एक्स चूँकि हमारे पास ये है तो एफ ऑफ एक्स टू जो है वो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टू, एक्स की जगह पे हम जस्ट एक्स टू रिप्लेस कर देंगे, प्लस सी माइनस एफ ऑफ एक्स वन. ये आ जाएगा ए एक्स वन का स्क्वायर प्लस बी एक्स वन प्लस सी और एक्स टू माइनस एक्स वन. अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये आ जाएगा टू एक्स थ्री प्लस बी इज इक्वल टू, ये माइनस जब मैं अप्लाई कर दूंगा, ये माइनस का सी और ये प्लस का सी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रिजल्ट इसका आएगा. और इन दोनों में से अगर मैं ए कॉमन निकाल दूं तो ये बन जाएगा ए एक्स टू का स्क्वायर माइनस ए एक्स, सॉरी ए हमने कॉमन निकाल दिया, एक्स वन का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा प्लस बी एक्स टू, और ये बी में कॉमन निकाल देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन. अब टू ए एक्स थ्री, टू ए एक्स थ्री प्लस बी इज इक्वल टू ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी. एक्स टू माइनस एक्स वन, ये ए माइनस बी आ जाएगा और ये ए प्लस बी आ जाएगा.
और साथ में प्लस बी एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन होल इज डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। अब इन दोनों में से मैं एक्स टू माइनस एक्स वन बाहर निकाल देता हूँ, ये आ जाएगा ए एक्स सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन मैं बाहर निकाल लेता हूँ, एक्स टू माइनस एक्स वन, इधर रह जाएगा एक्स टू प्लस एक्स वन और यहाँ पे विद ए और यहाँ पे प्लस बी रह जाएगा क्योंकि ये एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स वन हम बाहर ही लिख चुके हैं और यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन जो है इसके साथ कैंसल, टू ए एक्स क्यूब नहीं सॉरी ये थ्री है, टू ए एक्स थ्री प्लस बी इज इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स वन विद ए प्लस बी। अब ये प्लस का भी आपस में कैंसल, एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स वन विद ए डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास आ जाएगा टू ए। अब ये ए और ये ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा वो बन जाएगा एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई टू, यही हमने साबित करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। नीचे अगर कोई मसला हो तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें। थैंक यू।